कैसा काम हुआ है मुखिया जी के द्वारा? अच्छा काम हो रहा है जी। एक दो काम बताइए जो अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है सोलिंग हुआ और जो भी जो रिपेयरिंग वाला जो काम हो रहा है बहुत अच्छी ढंग से काम हो रहा है। और नल जल का क्या स्थिति है? नल में पानी गिरता है? गिरता है जी। टाइमली या फिर हमेशा? टाइमली। इंदिरा आवास मिला है आप लोग को? नहीं, जो मिले लायक जिनको है उनको मिल रहा है इंदिरा आवास। कैसा काम हुआ है मुखिया जी के द्वारा? मुखिया जी के द्वारा है काम सभी अच्छे ढंग से, नल जल भी सही ढंग से समय से ही थी, नल जल पानी दिया जाता और हम लोग एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है? सरकारी स्कूल में पढ़ाई सही समय से होते हैं। शिक्षक सब आता है? शिक्षक लोग सभी समय से आते हैं, हेडमास्टर सभी शिक्षक हैं, स्कूल विद्यालय जो हैं सही ढंग से चल रहे हैं। मुखिया जी के द्वारा आप कुछ काम बताइए जो किया गया है। मुखिया जी के द्वारा विकास के पटरी पर बहुत सारे विकास हैं, जो मनरेगा ऑफिस से भी बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रवि रंजन कुमार। पंचायत में हुआ था? मेरा पंचायत है खराट पंचायत में घर हुआ। क्या आपको प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है? नहीं, का है? नहीं, अभी नाम ही नहीं बीपीएल में था। कहाँ कौन पंचायत में घर हुआ? खराट पंचायत। राशन वासन मिलता है? पिताजी के साथ मिलता है। कितना मिलता है? 5 किलो। तब मुखिया जी से और कोई काम रहता है तो होता है? होवे करता है। क्या क्या अभी विकास का? अभी तो जितबे किए तो विकास करवे करेंगे। एक साल कम थोड़ी होता है? हाँ तो काम हुआ ना। 4 साल में काम होगा? अभी तो होवे किया है सर। का अभी का तो हो ही रहा है। का हुआ? सोलिंग हुआ, नली रिपेयरिंग हुआ, जेने तेने मट्टी भराया, सब होवे किया। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम मसौरी प्रखंड के खराट पंचायत में हैं और यहाँ की मुखिया हैं लक्ष्मी देवी जी। उनसे हम बात करें कि पिछले 12 से 14 महीनों के बीच इनके द्वारा क्या क्या काम हुआ है। सबसे पहले लक्ष्मी जी, आप सब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। कैसा लग रहा है मुखिया बन करके? अच्छा लग रहा है। पहले क्या थी आप? पूर्व में पंचायत समिति भी रही है? पंचायत समिति थे और उसके बाद फिर मुखिया में खड़े हुए तो थोड़ा बहुत भोर से हारे, अभी में जीते हैं। आप पंचायत समिति रही होंगी तो अनुभव तो अच्छा रहा होगा आपको? बहुत अच्छा रहा, अभी भी अच्छा लग रहा है मुखिया में जीते हैं तब। मुखिया बनने से पहले आप क्या करती थी? डीलर का काम कर रहे थे। लोगों के बीच जाती थी? जी घूमे। लोगों के बीच जाती थी? जी घूमे जा रहे थे, जाते हैं। क्षेत्र में कोई ऐसा काम बताइए दो जो आपके द्वारा किया गया है। लल्ली गली, लल्ली सोलेन ये सब हो रहा है पंचायत में, कुछ बाकी है, कुछ हो रहा है मैंने। और आवास योजना में कितना मिला है अभी तक? 220 के लगभग हुआ है और तनी मनी थोड़ा बहुत बाकी है। और काम मतलब प्रोसेस में है? थोड़ा बहुत इंदिरा आवास वाला बाकी है। शिक्षा को लेकर के क्या सोची हैं आप? बच्चा गरीब बच्चे के जो ऐसे लोग हैं जिसको शिक्षा चाहिए उसके लिए क्या सोची हैं? उसके लिए भी चाहिए, उसके भी मैंने कुछ मैंने सरकार दे तो उसको भी हम मैंने अथी करेंगे, आगे मैं बढ़ाएंगे। और मैंने पंचायत सरकार भवन आपके पंचायत में है? भवन है बाकी फूटा हुआ है, बाकी कोशिश करें कि उसको हम बनाएंगे। फूट नहीं है। नली गली का स्थिति अच्छा है? नली गली खूब अच्छा से चल रहा है काम धंधा अभी, और दो चार गांव बाकी है, बाकी घिचाया है 2-4-5 गांव, काम हो रहा है अभी। छठ पूजा को लेकर के साफ सफाई जारी है आपके पंचायत में? छठ घाट पंचायत में साफ सफाई तो हो रहा है अभी, अब तो हो गया, अब तो नगीच दिन आ गया सर। क्या लग रहा है अभी 4 साल बचा हुआ है, क्या लग रहा है अच्छा काम करेंगी या फिर सब मुखिया की तरह आप भी? अब तो अच्छा काम भी करेंगे या बुरा भी काम करेंगे तो जनता पर ना है, अब तो अपना पर जनता तो अच्छे ना, जनता तो आपको चुन के बना दिया मुखिया, आप जनता के लिए आप क्या करेंगी? अब अच्छा काम करेंगे तो जनता बीरबर मन अब जाने। इस तरह का अच्छा काम करेंगे, एक दो काम अच्छा बता काम करेंगे, अच्छा कराएंगे है ना। और अब जनता के ऊपर मैंने चाहते हैं तो जनता खुश रहता है कि ना मुखिया जी अच्छा है, मुखिया जी अच्छा है, आगे देखिए। तो ये थे लक्ष्मी देवी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जो मेरा 4 साल का कार्यकाल बचा है वो सफलता पूर्वक हम पूरा करेंगे और जनता के हित में काम करेंगे। सहयोगी नीरज के साथ मैं राहुल कुमार।